गाइज इस पैट्रिक के तो गाइज मैं बहुत टाइम बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि गाइज मेरा फ़ोन जो था टूट चुका था। तो गाइज मेरे पास फ़ोन नहीं था, फिर मैंने एक फ़ोन लिया, ये वीवो Y30, जो कि बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। ना 4K रिकॉर्ड शूट होता है, ना कुछ क्लियरिटी स्टेबल है, कुछ भी नहीं। तो गाइज मत लो ये वीवो Y30 के। तो गाइज आज का जो व्लॉग है मेरा वीडियो, वो है हेयर के ऊपर। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मैंने गोल्डन हेयर कर चुका हूँ। तो गाइस ये हेयर करके मेरे को 1 महीना हो गया। तो गाइस मेरे ब्लैक हेयर्स आने लगे वापस से। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ना बरगंडी हेयर कलर करा जाए इस टाइम, और आप लोग भी बताओ कि बरगंडी हेयर कलर कैसा लगता है। तो गाइस अब बरगंडी हेयर कलर ब्लॉन्ड पे ही चढ़ता है गाइस। अगर ब्लैक पे करोगे तो लाइटली चढ़ेगा, और ब्लॉन्ड पे एकदम ऊपर आके चढ़ेगा। तो गाइस मैं बरगंडी हेयर कलर करने वाला हूँ अभी, तो चलो अभी शुरू करते हैं। When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Okay, तो गाइज मेरा बर्गंडी कलर तैयार हो चुका है। तो अभी गाइज हम लोग मेरे सिर पे लगाए गए। अगर मैं घर पे कर रहा हूँ इसके लिए गाइज, मैं किसी फैमिली मेंबर से करा रहा हूँ। मैं अभी टी शर्ट ना बिगड़े इसके लिए मैंने चेंज कर दिया, और इसके ऊपर टॉवल डाल दिया, तो इसलिए मेरी टी शर्ट नहीं बिगड़ेगी। तो गाइज अभी हम लोग चालू करते हैं हमारा कलर करना, और आप लोग रिजल्ट देखो। और ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे बरगंडी कलर मेरे हेयर पे अप्लाई हो चुके हैं, और मैं अभी 30 मिनट्स वेट करूंगा, क्योंकि गाइस मैं 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है इसके लिए। तो आप लोग देख सकते हो पीछे आगे से सब जगह से बराबर हो चुका है मेरा कलर, और जिसने भी किया वो प्रोफेशनल था, इसके लिए प्रॉपरली हो चुका है ये कलर। आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग वो सब फुल लेवल में किया है। तो गाइज अभी हम लोग 30 मिनट्स वेट करेंगे, फिर रिजल्ट देखते हैं, तब तक मचाते रहो। मेरा शैम्पू वॉश हो चुका है, अभी हम लोग सुखा रहे बाल को, तो आप लोग देखो फिर रिजल्ट देखना आप लोग। ओके, तो गाइज हमारा सूख के हो चुका है। आप लोग को रिजल्ट कैसे लगा आप मुझे कमेंट में बताओ। और अभी एक ऐसी लॉरियर का सीरम है जो आप लोग अभी अप्लाई करने वाले मेरे सिर पे। तो गाइज आप लोग रिजल्ट देख सकते हो कैसा आया है। नॉर्मल ब्लैक हेयर जैसा लग रहा है, पर अगर हम लोग सनसेट में जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इसका रिजल्ट। तो गाइज मैं आप लोग को सनसेट में जाके भी दिखाऊंगा। अभी हम लोग सीरम लगा रहे, तो आप लोग देखो। ओके, तो गाइज मैं बहुत समय बाद मेरे हाथ में हेयर ड्रायर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टकला हो चुका था। तो अभी आप लोग देख सकते हैं शाइन मार रहे मेरे हेयर, एकदम सॉफ्ट भी हो चुके हैं पहले से ज्यादा। तो गाइज अभी हम लोग सनसेट पे जाके आपको रिजल्ट दिखाते हैं। Compass was wrong, and I'm still on my feet, lost in these days where I belong.